हाय फ्रेंड, मैं हूँ सतीश कुमार नामदेव। वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो। मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ जो आई हुई लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो अपना एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इसमें लाइब्रेरी के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो कि एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, और आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, डिटेल बताएंगे, फुल डिटेल बताएंगे, और कैसे आप पूरी तरीके से इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल, वैकेंसी, सभी चीज़ें बताई जाएगी। आप इस वीडियो में बने रहे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी वेबसाइट क्या है। इसकी वेबसाइट है NCERT.NIC.IN। गूगल पे जैसे सर्च करेंगे ये NCERT की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस टाइप की जैसे आपको शो हो रहा है ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर टॉप में अनाउंसमेंट के बाद आपको जाना पड़ेगा वैकेंसी। जैसे उसमें ओपन करेंगे ये नंबर से एक पॉइंट से ओपन हो जाएगा, एकेडमी, नॉन एकेडमिक, प्रोजेक्ट मिसलेनियस एंड रिजल्ट। हमें सबसे पहले करना पड़ेगा यहाँ पे नॉन एकेडमिक। अगेन यहाँ पे सर्च करेंगे फर्स्ट में लिखा है एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड सीनियर लाइब्रेरी, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ओपन होगा, डेट रहेगा 5 जुलाई 2019 का ये एडवर्टाइजमेंट है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिवीज़न में आई हुई वैकेंसी NCERT के अंडर। ये NCERT सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, जो कि ये दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। हम इसकी बात कर लेते हैं, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि वैकेंसी आई हुई है किसकी। प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंस की वैकेंसी आई हुई है। जो वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई हुई है, वैकेंट पोस्ट आई हुई है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले टोटल 5 में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन डिवीजन NCERT रिक्वायर्ड टू 5 प्रोफेशनल, अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट की, इसमें टोटल वैकेंसी आई हुई है 5। ये अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि किसी मतलब कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इसमें टोटल 5 वैकेंसी इसमें शो किया है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो MLib है, जैसे आप देख पा रहे हैं MLib साइंस, MLib SC और इक्विवेलेंट 50 मार्क्स होना चाहिए। इसमें डिजराइवल आपको 3x एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी फील्ड से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस फील्ड। और आपको एक लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर होता है कोहा, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए 30 से बिलो होनी चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है कि ST, SC, OBC, एक्स सर्विस मैन, PH कैंडिडेट के लिए आपको गवर्नमेंट इंडिया के अनुसार, रूल के अनुसार आपको उसमें छूट मिलेगा। इसका रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा, 33,000 पर मंथ इसका सैलरी का इसमें बताया गया है। अब दूसरी पोस्ट आई है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, जो कि 2 पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन है आप 12th पास होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, या फिर आपके पास BLib हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात किया जाए तो इसमें एक्सपीरियंस के, आप इसमें 3 ईयर के एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। और आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कोहा, सोल, इस टाइप के सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर 6 मंथ के लिए सिक्स मंथ का जो कंप्यूटर कोर्स है, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी एज लिमिट है 27 ईयर, क्लोजिंग ऑफ डेट रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। रिम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 19,000 पर मंथ के रिम्यूनरेशन है, बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें इसका आपका रिजर्वेशन रूल है, इस पर काउंसिल रूल है, इसमें थोड़ा सा कैंडिडेट है फुलफिल अबव कंडीशन शुड अप्लाई द अटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्मेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, टेस्टिमोनियल, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी सबको सेंड करना है, ओरिजिनल नहीं सेंड करना है, और साथ में रिसेंट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो सेंड करना है। और इसमें जो इसको सेंड करना है लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिवीजन, GB पंत ब्लॉक, NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली,
110016 25th July 2019 तक 5 बजे तक आपको सेंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या होना चाहिए। ये रिस्पॉन्स मतलब कि अगर हम इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडी टू इंश्योर दैट फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। आपको इंश्योर फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आप इसके जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हैं आपके नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है टेंटेटिव है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है। या शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट नॉट सॉरी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कम्युनिकेटेड विद थ्रू द ईमेल एड्रेस एंड वेन्यू ऑफ रिटन स्किल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन सेपरेटली होगा। यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया वाइज आपका मेरिट लिस्ट स्किल टेस्ट के अनुसार होगा। इसमें TRDA नहीं मिलेगा कुछ भी। और यहाँ पर मेनली नॉट कंसीडर क्लेम टू रिटन टेस्ट। यहाँ पर बोला गया कि अगर आप फुल क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको ये भी नहीं है कि आपको क्लेम कर सकते हैं रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होने के लिए कि नहीं होने के लिए। इसमें एज रिलैक्सेशन है ST/ST OBC PWD के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NCERT रिजर्व राइट टू कैंसिल या पोस्टपोन द रिटन एग्जाम रिटन एंड स्किल एग्जाम। एंड ये है कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट जो वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट विल नॉट द कंफर एनी क्लेम टू रेगुलर एम्प्लॉई इन NCERT। ये NCERT को हम क्लेम नहीं कर सकते बट इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी आई है। सबसे लास्ट में हम पेज नंबर 3 में देखें एक प्रोफार्मा दिया गया है जो कि एप्लीकेशन प्रोफार्मा दिया है। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट है हम अप्लाई पोस्ट अप्लाई डेट है। यहाँ पर लिखेंगे किस पोस्ट के लिए हमें एप्लीकेशन भेज रहे हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए भेज रहे हैं कि सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भेज रहे हैं या फिर सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पर सो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर फादर नेम डेट ऑफ बर्थ आपका पोस्टल एड्रेस मेलिंग एड्रेस लिखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST/ST OBC जनरल्स यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ST/ST OBC के लिए टेस्ट कॉपी अटेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा जो कि आपको क्वालिफिकेशन 10th 12th उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे BLib MLib ग्रेजुएशन जो आपका है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप किस पोस्ट में मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल्स लिखनी पड़ेगा किस पोस्ट में थे आप ड्यूरेशन कितना था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी। और यहाँ पर डेट प्लेस डालना हो डेट डाल के यहाँ पर साइन करके इनको आपको बताए हुए एड्रेस पे 25 तारीख से पहले 5 बजे से पहले आपको यहाँ ये 25 जुलाई 2019 5 PM से बिफोर आपको यहाँ पर सेंड करना है। और अदर मेरी वीडियोस हैं उसमें भी आज के लिए उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वैकेंसी आई हुई है। एंड लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।